हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, एसआरएफ, गेट, आईआईटी, जेम या किसी भी और यूनिवर्सिटी जिसमें एमएससी के लिए एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्व रूट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या, एक्स टू द पावर एम का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो टर्म बचती है ये बचती है हमारे पास, यानी एक्स टू, इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू पावर एम प्लस वन बाई टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई किया एक्स टू पावर एम का तो पावर एक एड हो गई। इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स टू द पावर एम डॉट बाई, और ये हो गया हमारे पास। अगर हम इक्वेशन में देखना चाहें तो इसको हम बेसिकली फाइव एक्स लिखते हैं, इसको हम पी जीरो लिखते हैं, इसको पी वन लिखते हैं, इसको पी टू लिखते हैं। अगर एग्जैक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट होने के लिए पी जीरो माइनस पी वन माइनस पी टू, पी वन डैश माइनस पी टू डबल डैश इक्वल टू जीरो देखते हैं। तो ये हमें जीरो चाहिए। तो अगर ये जीरो है तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया थ्री एक्स टू द पावर एम, ये ये है हमारे पास एक्स पी वन, तो पी वन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव देखते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस एम प्लस वन, ये इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एम एंड टू का मल्टीप्लाई भी है इसमें, और इसमें देखें माइनस पी जीरो का पी टू का डबल डैश तो इसका डबल डैश, तो ये हो जाएगा एम प्लस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू, और ये हो गया हमारे पास एक्स टू द पावर एम माइनस थ्री बाई टू और इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये जीरो कब होगा, जब सारे कोफिशिएंट जो है उनकी जो कोफिशिएंट की टर्म है वो जीरो के इक्वल हो, यानी यहाँ पे इस कोफिशिएंट एक्स टू पावर एम का कोफिशिएंट और एक्स टू पावर एम माइनस थ्री बाई टू का कोफिशिएंट, ये दोनों जीरो के इक्वल हो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स टू पावर एम का कोफिशिएंट निकालना चाहे तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, उसको एक्स टू पावर एम कॉमन ले लिया तो थ्री माइनस टू एम और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू और ये हो गया माइनस, और इधर देखें तो एम प्लस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू एक्स टू पावर एम माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। अब इसको देखें तो ये हो गया हमारे पास टू, यहाँ से कट के यहाँ पे वन माइनस टू एम रह गया। अब फ्रेंड्स ये यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एम की दो वैल्यू आती है, यानी ये इसको जीरो होने के लिए एम बराबर अगर वन बाई टू है तो भी चलेगा एंड माइनस वन बाई टू है तो भी जीरो हो जाएगा, दो वैल्यू यहाँ से आ जाती है। बट जब एम बराबर वन बाई टू है तो उस कंडीशन में ये भी जीरो हो जाता है और माइनस वन बाई टू है तो ये जीरो नहीं होता, तो इसके m बराबर ओनली एक वैल्यू आई m बराबर वन बाई टू जहाँ पे दोनों टर्म जीरो हैं। तो यहाँ से m बराबर वन बाई टू आ चुका है। अब m बराबर वन बाई टू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा x टू द पावर वन बाई टू, तो ये एक्स टू पावर एक्स डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री एक्स, यहाँ पे एम की जगह वन बाई टू पुट किया तो वन बाई टू वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। अब फ्रेंड्स ये है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, अब एग्जैक्ट बन चुके हैं तो एग्जैक्ट में इसका सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास पी जीरो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी जीरो माइनस पी वन डैश वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन होता है। अगर हम वैल्यू पुट करना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी जीरो, पी जीरो की वैल्यू क्या है थ्री एक्स टू पावर वन बाई टू, हाँ
हाँ बेस्ट, सॉरी इसका जो तो फॉर्मूला होगा वो यहाँ से नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि हमने P2 इसको माना है, बेसिकली हम उल्टा मानते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला अगर देखें तो हो जाएगा P2 dy upon dx plus P2 minus P1 dash y equal to integration of 5x dx plus c। यानी कि ये पहले ये टर्म, ये वाली टर्म dy upon dx प्लस ये वाली टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, जो फाई ये होगा dx प्लस c, ये होता है हमारे पास। तो अब यहां से अगर इसको लिखना चाहेंगे सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा, ये फ्रेंड्स अगर n टाइम हो तो ये फॉर्मूला n टाइम पर भी चला जाता है, तो यहां से हो जाता है P2 की जगह x dy अपॉन dx प्लस P2 क्या है x माइनस इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अगर निकालना चाहे तो 3/2 आगे आएगा, 3 से इसका निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x टू पावर 1/2, बट 2 आगे है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3 x टू पावर 1/2, ये हो गया ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x, तो 5 का इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपली हमें, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस c। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो इसमें से तो ये हो जाएगा हमारे पास x dy अपॉन dx प्लस x इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारा x कॉमन नहीं आएगा फ्रेंड्स, x टू पावर 1/2 आएगा, इससे अच्छा कॉमन लेके पूरे में डिवाइड कर दें हम, तो पूरा डिवाइड करने पे हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 x टू पावर माइनस 1/2 y इक्वल टू 2 अपॉन 5 x टू पावर 5/2 प्लस c अपॉन x।